बहुत अच्छे से सब ऑर्गेनाइज्ड हो गई है. आई एम सो हैप्पी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट इज ऑर्गेनाइज्ड नाउ. मुंह क्यों चढ़ा? उसकी बीवी ने मुंह चढ़ा, तुम क्यों मुंह चढ़ा के बैठे? हाय गाइस, वेलकम बैक. तो ये हमारे घर का सफाई अभियान चालू हो रहा है. एक्चुअली बहुत टाइम हमारे घर की सफाई नहीं की हम दोनों ने, इसलिए आज हमने सफाई अभियान चालू किया. पहले लॉबी से चालू, आज से हमने सफाई चालू की है, पहले लॉबी की, फिर एक एक करके एक एक रूम करेंगे. और ये गद्दा यहाँ पड़ा है, ये फरलेंको का है. हमने न्यू गद्दा लिया था बिकॉज दिस वॉज नॉट सो ग्रेट, तो हमने इसे वापस करना है. अब पता नहीं वो कब आएगा इसे वापस देने. अरे यार, तूने कैसे मारी, इस पे सारी गिर गया. नहीं, पहले से होगा. और एक तो नंगे पैर मत चलना. तो अब मुझे ये सारी फ्रेम्स उठानी है और इसे साफ करना है. सबसे बड़ी बात है, ये जो दीवार है ना, ये बड़ी अजीब सी है, तो इसमें फ्रेम से वो सारे होल जो गंदे से हुए थे वो छुप जाते हैं. बट हम एक एक करके उठाएंगे ताकि अरेंजमेंट ठीक रहे. इसका कुछ अरेंजमेंट का ठीक नहीं है, तो इसीलिए बहुत संभाल के करना पड़ेगा. और यार, चींटियां, पता नहीं कहाँ से इतनी चींटियां आ गई ना मेरे घर, जितना गुस्सा आ रहा है. बट हाँ जी, सारे काम करने पड़े. करना है तेरे को, पता जब सफाई यही होनी है तो आफ्टर अ घोर लड़ाई. बस अब चालू करते हैं, अब हमारी लड़ाई हो चुकी है. काम कर ले, वो ज्यादा अच्छा है. हाय गाइस, तो कल मैं ज्यादा शूट ही नहीं कर पाई बिकॉज वी वर बिजी इन क्लीनिंग द होल लॉबी. एंड ये पता नहीं मुझे ये दाग क्यों हो चुका है बहुत टाइम से. एंड आई एम अप्लाइंग कोकोनट ऑयल, बट धीरे धीरे लाइट हो रहा है. आई हैव ट्रिम्ड माई हेयर येस्टरडे, तो वो बहुत अच्छा था. मतलब जरा सी ट्रिमिंग की, बहुत कम, लाइक ना के बराबर. एंड मेरा घर पूरी तरह से सेट है, लाइक द लॉबी इज टोटली सेट, विच वी आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. और आज सुबह से मेरे जो कंसल्टेशन के काम थे वो हो चुके हैं. मेरा एक लेबर क्लास है आज एक क्लाइंट के साथ एट 3 o'clock. तो उस समय ना मुझे खाना बनाने में, वैसे तो मेरी सब्जी बन चुकी है. मैं आटा गूंद के अभी रख रही हूँ, थोड़ा सा, एक ही जने ने खाना है, तो थोड़ा सा आटा गूंद के रख रही हूँ ताकि उस समय मैं अपना लंच जल्दी करके एंड देन आई विल गेट बैक टू वर्क. आपको मैं लॉबी दिखाती हूँ, बहुत अच्छी लग रही है सीरियसली. मैं रूम टूर में देखा हुआ है, सो यहाँ पर कैंडल्स हैं, मुझे ये लाइट करने हैं अभी. एंड ये पूरी लॉबी, जब वो स्ट्रिंग लाइट्स लगाई थी तो मैंने अपनी वीडियो में डाली थी इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हो. बहुत अच्छे से सब ऑर्गेनाइज्ड हो गई है. आई एम सो हैप्पी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड नाउ. मंदिर भी साफ हो गया, सब कुछ साफ है. सिर्फ ये प्लांट्स जो आर्टिफिशियल है मुझे वो धोने हैं, वो मैं एक दो दिन में कर लूँगी. हाय गाइस, तो ये जूते बांधे जा रहे हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा पति है, और ये जूते ये बांधे जा रहे हैं. हो गए, मिशन कंप्लीट. सो यू आर हैप्पी? सो दिस इज द आउटफिट फॉर द डे. मैंने कम्प्लीटली जारा, ओके. सो दिस इज माई मेकअप. आई डोंट नो मेरा मेकअप कैसे लग रहा है, मैं ऐसे मेकअप करती नहीं हूँ, बट पता नहीं आज किया. आई डोंट नो कि कैसे लग रहा है. नहीं भी अच्छा लग रहा होगा तो लिख देना कमेंट सेक्शन में, फर्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि अब हो चुका है, मेरा मन नहीं था ज्यादा मेकअप करने को, बट वी आर गोइंग आउट एंड आई एम गेटिंग फीचर्ड ऑन अ ऑफिशियल पेज. बहुत खुशी हो रही है. बट कल उसका काम होगा, तो मैं कल थोड़ा सा बिहाइंड द सीन शेयर करूंगी. बट कल अब मेरी प्रीकंसेप्शन क्लास खत्म हुई और क्लास के टाइम पर ही फोन आया था, देखते मिस कॉल आ गई थी. अच्छा हुआ मैंने कॉल कर दिया नंबर पे, एंड व्हेन आई कॉल सो दे पिक्ड इट अप एंड वी लाइक ओके. बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बट आई एम हैप्पी कि ठीक है, समवन रिकॉग्नाइज माई वर्क एंड दे आर हैप्पी टू शेयर इट, तो बहुत अच्छी बात है. पता नहीं मेरे बाल अजीब से लग रहे हैं, मैंने सुबह ही धोए. तुम्हें कैसे लगा? मेरे बाल बड़े अजीब से लग रहे हैं. मैंने पाउडर बहुत ज़्यादा ही थोपा हुआ है कि पता नहीं सनलाइट की वजह से है कि क्या है, बट मैं बहुत अजीब दिख रही हूँ ऑन कैमरा. ऐसे अच्छी लग रही हूँ बट देखना, कितनी अजीब लग रही है, क्या फ़र्क पड़ता है.
तो अब हम जा रहे हैं बाहर. आई एम रियली वेरी हैप्पी. मैं सारा शेयर करूंगी कल डिटेल, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. पेज के बारे में अभी नहीं बताना चाहती क्योंकि ये ब्लॉग कल आएगा और तब तक मुझे लगता नहीं है मैंने ट्यूजडे को फीचर करूंगी, तो फिर मैं तब शेयर कर लूंगी, बट अभी नहीं. आई डोंट वॉन्ट टू जिंक्स इट. तो अब हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं ऐसे ही, पता नहीं मन किया, तो चलो चलते हैं. तो ये ब्लॉग कंटिन्यू बाद में करूंगी, पहले मैं आपको अपना स्किन केयर रूटीन दिखा देती हूँ. बहुत बेसिक है. पहले आप मेरा नाइट रूटीन देखो कि मैं कैसे ये मेकअप साफ करके क्या क्या चीजें यूज करती हूँ, उसके बाद आप पूरा ब्लॉग एंजॉय करना, ठीक है. सो मैंने अपना मेकअप निकाल दिया है. एंड दीज डेज आई एम यूजिंग मामा अर्थ एलोवेरा जेल फेस वॉश. ये फेस वॉश बिकॉज हम गर्मियों में और ये जो चिपचिपा मौसम आजकल जो आया है बारिशों की वजह से, उससे आपका स्किन काफ़ी ऑयली हो जाता है एंड आई एम गेटिंग 2 or 3 पिंपल्स हियर एंड देयर. तो उसके लिए ये वाला फेस वॉश बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है. मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ. इट्स लाइक अ जेल ओनली, जस्ट लाइक एलोवेरा. मैं इसे ना कभी भी अच्छे से पहले मसाज कर लेती हूँ फोर रिंसिंग इट ऑफ. आई जस्ट मसाज माई स्किन टाइटली इन अपर डायरेक्शन और उसके बाद मैं इसे रिंस करके आपको दिखाती हूँ. सो आई हैव अप्लाइड इट. नाउ आई जस्ट रिंस एंड देन शो इट टू यू, ठीक है. सो आई हैव रिंस आउट माई फेस एंड सच में बता रही हूँ मेरा फेस ना स्टिकी या वो स्ट्रेची टाइप लगते ना, सोपी सोपी वैसे नहीं लग रहा है. सो दैट थिंग आई रियली लाइक एंड आई जस्ट फॉलो दीज टू स्टेप्स वेन इट कम्स टू स्किन केयर. तो पहला है मेरा फेस वॉश एंड द सेकेंड इज एलोवेरा ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. सो आई जस्ट यूज एंड लेट यू नो. इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है बहुत, तो बहुत माइल्ड है, ज़्यादा नहीं है. एंड जस्ट अप्लाइंग दिस. द बेस्ट पार्ट इज इट इज वेरी लाइक एब्जॉर्बिंग, ज़्यादा कुछ ग्रीसी या ऑयली नहीं लग रहा है बिकॉज इट्स ऑयल फ्री फॉर दिस वेदर जिसमें बहुत चिपचिपापन हो जाता है और फिर पिंपल्स आने का डर रहता है. So it's nice. It's very light. It's really very light. So that's the good thing. Mama Earth ke sare products are paraben free and sulfate free. And they are available on Nykaa, purple.com. Even on Mama Earth own website and Amazon you can find them. First Cry par inke bachcho ke products hain. There are a lot of stores which I have opened in Delhi. Kaafi jagah par. I think Shoppers Stop pe bhi in Mama Earth ne abhi apna laga chuke hain. Like counter. है वहां पर भी. सो दैट्स वेरी नाइस. मैं अभी ही विजिट करके आई हूँ इसलिए मुझे पता है. एंड ऑल्सो इफ यू बाय फ्रॉम देयर वेबसाइट वन थिंग यू विल गेट टू बेनिफिट्स. वन थिंग इफ यू यूज माई कोड कर्व्स 2022 सो आपको 20% ऑफ मिलेगा. एंड द सेकेंड बेनिफिट इज फॉर द नेम मदर अर्थ. ओके, आप एक बेनिफिट मदर अर्थ के लिए भी करोगे दैट वेन एवर यू बाय एनी थिंग दे विल लिंक योर परचेज टू अ सैपलिंग विच दे आर ग्रोइंग एंड दे हैव अ टारगेट ऑफ कंप्लीट 1 million tree by 2025. So the species and everything, all detail will be given. तो कहीं ना कहीं आप मदर अर्थ के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो. एंड ट्रस्ट मी, मुझे इसका फाउंडेशन बहुत अच्छा लगा है. एंड इसका फेस वॉश एज वेल एज व्हाट डू यू से द मॉइस्चराइजर एलोवेरा जेल का जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. इट्स सो लाइट कि मेरे पूरे स्किन पर एब्जॉर्ब हो गया है एंड इट्स नॉट इवन कमिंग. तो मुझे ना ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है जो एब्जॉर्ब हो जाए, जो लाइट लगे, स्ट्रेची ना लगे. तो दोनों ही चीज इसमें मिलेंगी. इट इज़ रियली वेरी गुड. सो प्लीज़ प्लीज़ बाय इफ यू हैव अ ऑयली स्किन. आदित्य हैज़ वे टू ऑयली स्किन तो वो तो ज़रूर ही यूज़ करने वाला है. दिस से दैट इट्स लाइट वेट एंड येस आई कुड सी द इफेक्ट. इनफैक्ट इनके प्रोडक्ट्स मेरी मदर इन लॉ भी अभी बाय करती है एंड शी ऑल्सो लाइक्स इट. सो शी लाइक द फाउंडेशन एंड द कॉम्पैक्ट. शी वॉज क्रेजी अबाउट दैट. तो वो उन्हें अच्छा लगा है. मुझे लगता है ये भी उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. इट सूट्स ऑल टाइप ऑफ स्किन बट मुझे लगता है ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है. अगर आपकी ऑयली स्किन है, क्योंकि मेरी ऑयली सिर्फ इस मौसम में रहती है, वैसे ड्राई रहती है, बट मेरी स्किन पर भी ये सोपी या स्ट्रेची नहीं कर रहा है. जैसे फेस वॉश से ना वो सोपीनेस आ जाता है बहुत ज्यादा और स्ट्रेची हो जाते हैं, वैसे नहीं हो रही है. सो आई रेकमेंड यू. द लिंक विल बी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो डू बाय फॉर योरसेल्फ. अभी पूरा व्लॉग देखो जाके. बाय. डे लाइट में तो फिर भी ठीक लग रहा है. तो हो गई शॉपिंग है ना. हाँ. मुंह क्यों चढ़ा? उसकी बीवी ने मुंह चढ़ा. तुम क्यों मुंह चढ़ा के बैठे? तो जाके हमने की मतलब एक सूट बाय करना था. वो आंटी है ना, मुँह टेढ़ा हुआ था थोड़ा सा, जैसे कह रहे सड़ी हुई क्यों है. मैंने कहा तुम क्यों सड़े हो, बिलिंग के समय तो तुम्हें चेहरे में दिख रहे हो.
अब मैं मम्मी को कॉल कर रही हूँ, मम्मी उठा ही नहीं रही, पहले चालू थी कब से। स्वैग होता है माओ का, खुद जब तक फोन करना तो करेंगी और जब तुम करो वापस तो तब उनका उठाने का मन नहीं करेगा। आज तुम्हारे साथ भी यही हुआ ना, और पापा ने तुम्हारे साथ भी यही किया। अरे ऐसे करते हैं पेरेंट्स। मैं सुबह गया, जैसे मेरे को एक टेलर पे जाना था तो अपने लिए कुछ शर्ट पेंट वगैरह सिलवाने के लिए दी, मैंने किसे दिखा दिया तुम्हें वहाँ पे। मैं नोएडा से निकला हूँ, मेरे को 45 मिनट्स लगे पहुंचने में, सीपी गया था। पूरी स्टोरी नहीं सुनानी। नहीं पूरी स्टोरी सुनानी होती, मजा तभी आता है। पूरे रास्ते कोई फोन नहीं आया, मतलब मैं ऑलमोस्ट पौना घंटा जैसी शॉप पे पहुंचा ना, जैसी शॉप पे पहुंचा तो वहाँ अंदर सिग्नल जीरो हो गए। और फिर मैंने ना अंदर क्योंकि खुशबू को मैंने फोटोज भेजनी थी कि ये शर्ट ले रहा हूँ, तो मैंने वाई फाई उसका कनेक्ट करवाया, नोटिफिकेशन आई, 5-6 पापा की कॉल आ रखी, कॉल फोन आया। फिर मैंने पापा को फोन, मैंने कहा हाँ पापा आपने फोन पे फोन करे, हाँ तेरा मिल नहीं रहा था। मैंने कहा हाँ मैं कहीं ऐसे था, वो अंदर इधर टेलर पे आया था, सिग्नल नहीं आ रहे। पापा कह रहे नहीं वो ऐसे ही करा था फोन, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। मैं कह ये पकड़ अपना फोन। लंबे में बना के क्या होएगा? फालतू कर रहा है, अगर तो बोला तो बन, जितना बोला उतना कर। ये क्या बात है? फालतू इतना क्या हाई फाई कर गया? अरे तो बना, चल चल। नहीं नहीं चल, घर पे जाके रोटी सब्जी खा के। क्या बनाएगी? पैरी दर्द है उंगली में। तो आ गए वापस घर। और सीरियसली आज का दिन ना थोड़ा सा था कि कुछ कुछ सामान छुटके छुटके लेने हैं वो ले लिए, एंड मुझे एक आधा चीज़ मेकअप में चाहिए थी बट वो मिली नहीं। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बटन लाइक एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।